इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन को लेकर सभी टीमें अलग अलग रणनीति बना रही हैं। इस दौरान विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी इस सीजन मेगा ऑक्शन के लिए तैयार है और कई स्टार खिलाड़ियों को लेकर अपनी टीम मजबूत करना चाहेगी। 17 सालों के इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में आज तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस साल मेगा ऑक्शन से पहले अपनी टीम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इस दौरान आरसीबी टीम अपने कप्तान फाफ डू प्लेसिस को टीम से बाहर कर सकती है। हालांकि फाफ डू प्लेसिस को टीम से बाहर करने पर आरसीबी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फाफ डू प्लेसिस ने हाल ही में मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर रहे हैं। इसके साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज रजत पाटीदार को भी रिलीज किया जा सकता है। स्टार ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पिछले कई सालों से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें से पिछले कुछ सालों से वे विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स के लिए खेल रहे हैं। हालांकि मैक्सवेल आईपीएल में हमेशा ही नीलामी में ऊंचे दामों पर बिकते हैं, लेकिन कभी भी अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इस साल मेगा ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर सकती है। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल पर एक बार फिर से बड़ी बोली लग सकती है और मुंबई इंडियंस या पंजाब किंग्स जैसी टीम उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के दोस्त केएल राहुल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान नियुक्त किया जा सकता है। केएल राहुल इस समय लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान की भूमिका निभाते हैं। हालांकि खबर आ रही है केएल राहुल को कप्तान बनाया जा सकता है। इसके साथ ही विराट कोहली, मोहम्मद शिराज, विल जैक्स, कैमरन ग्रीन और रीस टॉपले को रिटेन किया जा सकता है।